चलिए इसका पता सेकेंड पार्ट ना हो, मतलब पार्ट वन मैंने ऑलरेडी बना दिया है, सो यू कैन लाइक सी द वीडियो। जो पार्ट टू कंटिन्यू करते हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल। सबसे पहले बात तो मालूम होना चाहिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, एक मेडिकल स्टाफ होता है, देन वी हैव एसोसिएटेड मेडिकल सर्विसेज एंड देन वी हैव सपोर्टिव पैरामेडिकल सर्विसेज एंड स्टाफ। ठीक है, सो व्हाट डू वी हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स का पार्ट जो होता है पूरा, इसमें क्या क्या होता है? एक एडमिन स्टाफ होता है, एक मेडिकल स्टाफ होता है। सो एक एडमिन स्टाफ होगा जो बाकी सब, मतलब जितना भी एडमिन का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, वो सब देखेगा। एंड देन सेकेंडली दैट वील बी हैविंग अ मेडिकल स्टाफ जो एक्चुअल काम करेगा। देन वी हैव मेडिकल सर्विसेज, एसोसिएटेड मेडिकल सर्विसेज, ओके, जैसे कि ब्लड बैंक सर्विसेज, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड ऑल दो स्टाफ एंड सपोर्टिव पैरामेडिकल सर्विसेज एंड स्टाफ। ठीक है, अब हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे। तो एक हमारे पास होता है गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, अगर हो रहा होगा तो। देन वी हैव गवर्निंग काउंसिल, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, देन वी हैव अ सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर, ओके। अब जो है कि क्या होता है कि वी हैव अ सुपरिटेंडेंट डायरेक्टर एज वेल, राइट। तो अभी क्या होता है ना, देन वी हैव पर्सनल, सो वी हैव पर्सनल एंड देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन असिस्टेंट, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ स्टाफ एंड देन वी हैव पब्लिक रिलेशंस। अब देखो उसको समझते हैं। Then we have this thing. So we have associate director or head clinical services, associate director or head specialized services, associate director or head pharmacy services, associate director or head admin services. So admin services हो गया, pharmacy service हो गया, head specialized service हो गया और एक head clinical services हो गया। इसमें clinical services में क्या क्या जाते हैं? Medicine, surgery, radiology, pathology, clinical laboratory, blood bank, research laboratory। देन जो अपना हेड स्पेशलिस्ट स्पेशलाइज सर्विसेज, जैसे कि फिजियोथेरेपी, मेडिको सोशल, मेडिको लीगल सर्विसेज, सेंट्रल स्टराइल सर्विसेज, डाइटरी सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज, ये सब आ जाते हैं स्पेशलाइज सर्विसेज, जो प्रॉपरली आपके व्हाट डू सी योर ऑल दो स्टफ। ठीक है ना, जो नर्सिंग सर्विस के बारे में देखेगा, जो डाइटरी सर्विस के बारे में देखेगा, जो फिजियोथेरेपी के बारे में देखेगा, जो मेडिको सोशल के बारे में देखेगा, ये सब की चीज़ में आ जाते हैं। अब अगर मैं फार्मेसी की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, या ड्रग्स परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सब ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ड्रग्स। देन वी हैव थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग सर्विसेज, मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग सर्विसेज, राइट। देन वी हैव एडमिन सर्विसेज, तो ग्रांट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो भाई किसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, किसके साथ आप ग्रांट किसको दे रहे हो। देन वी हैव क्रेडिट सर्विसेज, देन वी हैव टेलीफोन सर्विसेज, हाउसकीपिंग है, देन वी हैव लॉन्ड्री। सो हाउसकीपिंग हो गया, लॉन्ड्री हो गया, टेलीफोन सर्विसेज हो गया, क्रेडिट सर्विसेज हो गए, ग्रांट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, सब एडमिन देखता है। अभी समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये, इसको डेप्थ में समझते हैं। तो आपको इतना समझ में आएगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से बनता है। एक एडमिन स्टाफ होगा, एक मेडिकल स्टाफ होगा, एक एसोसिएट मेडिकल स्टाफ होगा, देन वी हैव अ पैरामेडिकल स्टाफ एज वेल। अभी अगर आप पहले वाले क्लासिफिकेशन को नहीं भी याद रखते तो भी चलेगा, यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन। पहले वाला क्लासिफिकेशन मतलब अगर ये चार चीज़ को आप नहीं याद रखते हो तो भी चलेगा, यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस चार्ट, ओके। सबसे पहले बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके पास एक पूरी तरह से एक कॉरपोरेशन या फिर गवर्नमेंट होगा, ठीक है। तो या तो हॉस्पिटल, दिस डिपेंड्स कि भाई हॉस्पिटल पब्लिक हॉस्पिटल है, बोले वॉलंट्री हॉस्पिटल है, तो अपने पढ़ा हो ना टाइप्स। तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वो गवर्नमेंट उसको देखेगा। देन वी हैव गवर्निंग काउंसिल ऑल्सो, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑल्सो, देन वी हैव सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर, ओके। तो अभी जो ये पार्ट है सुपरिटेंडेंट डायरेक्टर, इसको देखेंगे अच्छे से कि ये चार भाग में किस तरह से डिवाइड हुआ है, फिर चार भाग में है भी या नहीं, तो उसको प्रॉपरली देखते हैं कि ये चार भाग एग्जैक्टली मीन, इनका मीनिंग क्या है। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ स्टाफ, पब्लिक रिलेशंस, एडमिन असिस्टेंट, पर्सनल, व्हाट आर दीज स्टफ, विल गो टू द डेप्थ। देन वी हैव एसोसिएट डायरेक्टर और हेड क्लिनिकल सर्विसेज, देन वी हैव हेड स्पेशलाइज सर्विसेज, देन वी हैव हेड फार्मेसी सर्विसेज, देन वी हैव हेड एडमिन सर्विसेज। जो है एक का है मेडिसिन, एक है सर्जरी, एक है रेडियोलॉजी, एक है पैथोलॉजी, एक का है क्लिनिकल लेबॉर्ट्री, एक है ब्लड बैंक, एक है रिसर्च लेबॉर्ट्री। सो एक है रिसर्च हो गया, एक सर्जरी हो गया, एक रेडियोलॉजी हो गया, एक पैथोलॉजी हो गया, एक सर्जरी मेडिसिन हो गया, क्लिनिकल लैब हो गया, एक ब्लड बैंक हो गया। सो ऑल दीज सर्विसेज कम अंडर दिस स्टफ। सो हेड क्लिनिकल सर्विसेज जो हम बात करते हैं वो सब इसके अंदर आ जाता है। देन वी हैव नर्सिंग सर्विसेज, देन वी हैव डाइटरी सर्विसेज, देन वी हैव फिजियोथेरेपी, देन वी हैव मेडिको सोशल, मेडिको लीगल सर्विसेज, देन वी हैव सेंट्रल स्टराइल सर्विसेज, ठीक है, CSS। ये आगे वाले चैप्टर्स में सेंट्रल सर्विसेज क्या होते हैं एग्जैक्टली हम देखने वाले हैं।
देन नर्सिंग सर्विसेज क्या होते हैं, देन टाइटरी सर्विसेज क्या होते हैं, देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, देन वी हैव ड्रग्स परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, देन हैव थेरेप्यूटिक्स मॉनिटरिंग सर्विसेज, देन वी हैव मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग सर्विसेज, ग्रांट्स, क्रेडिट सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, हाउस कीपिंग, लॉन्ड्री एक्सेट्रा। देन वी हैव एडमिन। अभी देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टार्ट करता क्या है। देन वी हैव टू ऑल्सो सी देन मेडिकल स्टाफ जो है, जो हॉस्पिटल एंड फंक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो क्या करता है। देन वी हैव एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ, वो क्या करता है, या फिर एसोसिएटेड फॉर दैट स्टफ यू कैन से एसोसिएटेड मेडिकल सर्विसेज। नाउ दिस दीज सर्विसेज कैन कॉम्प्लीमेंट द मेडिकल सर्विसेज दैट टू गिवन इन द हॉस्पिटल, और दीज माइट बी सम अदर सर्विसेज, ठीक है ना। देन वी हैव ऑल दी सर्विसेज, ठीक है। देन वी हैव सपोर्टिव पैरामेडिकल स्टाफ एंड स्टाफ। अभी देखो नर्सिंग सर्विसेज आ जाते हैं, देन वी हैव डाइटरी सर्विसेज, ठीक है, बिकॉज जो आप पेशेंट है उसका डाइटरी देखना पड़ता है आपको, ठीक है। देन वी हैव सी एस एस, आपको मैं बता सी एस एस हम देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली है, ठीक है, ये सब आ जाता है इसके अंदर। तो ओनली दिस स्टफ वी हैव टू सी। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या बोलते हैं अपन उसको, नेक्स्ट चैप्टर में वैसे भी जाना ही है, बट वी विल ट्राई टू फिनिश एज मच एज पॉसिबल। सो हम लोग बोलते हैं एडमिन स्टाफ क्या होता है। एडमिन स्टाफ ये होता है कि इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल कंट्रोल बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो ये देखो जो हमने बोला था ना कि मेरे को इसमें मतलब क्या होगा एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ स्टाफ। देखो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मतलब होता है कि ही इज़ द वन हु इज़ कंट्रोलिंग द एडमिन सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल और अ प्रेजिडेंट। सो वी हैव अ प्रेजिडेंट और वी हैव अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो वी हैव अ प्रेजिडेंट एंड अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर प्रेजिडेंट जो है, ये डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हैंडलिंग ऑल द हॉस्पिटल बिजनेसेस। ही और शी इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हु मैनेजेस ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स एसोसिएटेड फाइनेंशियल ऑपरेशंस, पब्लिक रिलेशंस एंड पर्सनल। तो देखो पर्सनल का जो आ गया है यहाँ पर, ठीक है, पर्सनल रिक्रूटमेंट, आप रिक्रूट किस बेसिस पे कर लोगे, किस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओगे, पब्लिक रिलेशंस, पीआर, एक पीआर हेड भी होता है, देन वी हैव फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब बात कहाँ पर आ जाती है, देखो इधर देखो, पर्सनल, पब्लिक रिलेशंस, एडमिन असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टाफ, ठीक है ना, वही सब है। सो ऑल दी स्टफ कम योर ओनली एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सो व्हेन यू से दैट इट्स अ सुपरिटेंडेंट डायरेक्टर, ही इज़ अ हेड ऑफ ऑल दीज फोर थिंग्स, ओके। तो वो एक चीज़ है। सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अ प्रेजिडेंट दैट वी हैव, ही हैज़ टू सी द डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हैज़ टू मैनेज ऑल द एडमिन डिपार्टमेंट्स एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल ऑपरेशन, पैसे का लेन देन बोलो भाई, पी आर बोलो भाई, पर्सनल जो भी आपके पास है, जो भी सपोर्ट स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है उसको रिक्रूट करना, ये आपका ही काम है, ठीक है। दीज की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आर कॉपरेट वाइस प्रेजिडेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल। सो देखो अभी देखो, नाउ वी हैव दिस थिंग। सो इन मेनी लार्ज हॉस्पिटल्स अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेजेस द एक्टिविटीज ऑफ सर्टन डिपार्टमेंट्स एंड अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर गाइड्स द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द हॉस्पिटल। द की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आर कॉपरेट वाइस प्रेजिडेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो हम लोग बात कर लेते हैं सी ई ओ, हाँ, देन इसके नीचे, ये तो प्रेसिडेंट हो गया आपका, अब सी ओ के नीचे आ जाएगा आपका भाई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है, और चीफ ऑपरेटिंग के साथ साथ आपके पास आ जाएगा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सो सी एफ ओ, ठीक है। ये जो होते हैं सब वी पीज होते हैं आपके, दिस आर द वी पीज दैट आर देयर, ओके, दिस आर वी पीज। तो एक सी ओ ओ हो गया, एक सी एफ हो गया, जो इसके अंदर काम करेंगे। The huge number of employees and the executive collection, extensive collection of individual skills needed to staff hospital calls for a personal or human resource department. देखिए, सो आप पर्सनल डिपार्टमेंट होना चाहिए ना, जो सिर्फ आपके एम्प्लॉयज़ की नीड्स के बारे में बात करें, या फिर आपके एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ को, आपके एम्प्लॉयज़ को कैसे इम्प्रूव करना है उसके बारे में बात करें, राइट। सो ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको मैनेज करने का काम भी ये करते हैं, राइट। सो विद स्पेशलाइज लेबर एक्सपर्टीज दिस डिपार्टमेंट इज ऑल्सो हेडेड बाई वाइस प्रेजिडेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, सो एच आर डिपार्टमेंट, राइट। देन नर्सिंग इज अ ग्रेट कंपोनेंट ऑफ द हॉस्पिटल सर्विस ऑपरेशन, सो दिस थस लार्ज फैसिलिटीज ऑल्सो हैव अ चीफ नर्सिंग एग्जीक्यूटिव एट द वाइस प्रेजिडेंट लेवल। तो यू ऑल्सो हैव द वाइस प्रेजिडेंट फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज, यू ऑल्सो हैव वाइस प्रेजिडेंट फॉर द चीफ नर्सिंग एग्जीक्यूटिव एज वेल। सो हाउ मेनी वाइस प्रेजिडेंट डू वी हैव, वी हैव अ सीईओ, सॉरी, वी हैव अ सीओ दैट इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वी हैव अ चीफ फाइनेंशियल ऑपरेशन, चीफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एंड देन वी ऑल्सो हैव समथिंग इज कॉल्ड एज चीफ नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, ये भी वीपी लेवल का होता है। और एक और है हमारे पास जिसका नाम है चीफ एचआर, ठीक है ना।
तो चीफ एचआर भी हो जाता है हमारे पास, वो भी वीपी वाले एक पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो वी हैव दिस फोर पीपल वर्किंग अंडर अ सीईओ इज अ प्रेजिडेंट, सो वी हैव ऑल दिस स्टफ दैट इज गोइंग अराउंड यू। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फॉर अ हॉस्पिटल आर कंट्रोल्ड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अ प्रेजिडेंट, दे हैव डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हैंडिंग ऑल द हॉस्पिटल बिजनेस एवरीथिंग एंड ऑल द स्टफ। देन ही हैज़ टू बेसिकली मैनेज ऑल द फाइनेंशियल ऑपरेशन, फाइनेंशियल पब्लिक रिलेशन एंड पर्सनल। अब ये सब तो मैनेज नहीं करेगा, ये अपने आप को डिवाइड कर देगा, भाई तुम ये सब काम करो, ये काम करो, ये काम करो। प्रेसिडेंट है भाई, उसके हाथ में सब कुछ चीज़ें। सो ऑफ कोर्स ही विल अपॉइंट अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, विल बी लुकिंग रिगार्डिंग दी सर्टन डिपार्टमेंट्स, उसको सर्टन डिपार्टमेंट्स देंगे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे भाई तू फाइनेंशियल का जितना भी पैसे का लेन देन का काम है तो भाई तू देख। फिर हमारे पास एक कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, ठीक है ना। सो दीज की एडमिनिस्ट्रेटिव्स आर कॉर्पोरेट, हाँ सॉरी कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा, सॉरी ये जो दो हमने देखे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट के कैटेगरी में आते हैं। अब अगर आपको पर्सन के बारे में थोड़ा सा जानना है कि भाई आपके जो पर्सनल हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो किस तरह से उनको मैनेज करना है, किस तरह से उनको इम्प्रूव करना है उनके काम को, वो आ जाते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाला जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको देखता है। देन वी हैव चीफ नर्सिंग एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, तो वो भी जो नर्सिंग स्टाफ के बारे में देखेगा। सो ऑल दिस स्टफ कम अंडर योर एडमिन डिपार्टमेंट। नाउ वी गो ऑन टू द मेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व इन द हॉस्पिटल एंड देयर फंक्शंस। व्हाट इज दिस? सो वी हैव रेजिडेंशियल आरएम, बोलते हैं ना आरएमओ, आप कभी कभी हॉस्पिटल्स में कभी ना कभी विजिट किया होगा आपने, विद रिस्पेक्ट टू योर इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग, तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई आरएम भी होते हैं, देयर आर वेरी आरएम्स, वेयर इज आरएम्स वाज प्रेजेंट देयर, इट्स अ रेजिडेंशियल मेडिकल स्टाफ, दी स्टाफ मेंबर्स रिमेन अवेलेबल फॉर 24 आवर्स टू अटेंड द पेशेंट्स, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। ओके, सो ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको पेशेंट्स के बारे में यू नो काम करना है एंड ऑल दो स्टफ, यू हैव टू ऑल्सो लुक आफ्टर योर ऑर्गेनाइजेशनल एंड एडमिन ड्यूटीज एज वेल। मतलब अगर आप चीफ आरएम हो तो भाई आपको आरएम उसको और गाइड करना पड़ेगा जो आपके अंडर काम करते हैं। सो इस तरह से जो है काम होता है। जिनमें एसोसिएट मेडिकल स्टाफ, तो दी स्टाफ मेंबर्स इंक्लूड फिजिशियंस अलॉटेड टू डिफरेंट सर्विसेज सिमिलर टू द मेंबर्स ऑफ द एक्टिव मेडिकल स्टाफ, दिस कैन बी प्रोग्रेसिव एज अ रेजिडेंशियल मेडिकल स्टाफ। तो ये एसोसिएट मेडिकल स्टाफ होती है जिसमें नॉर्मली फिजिशियंस आ जाते हैं आपके, सो दे अलॉटेड टू डिफरेंट सर्विसेज सिमिलर टू द मेंबर्स ऑफ द एक्टिव मेडिकल स्टाफ। तो जैसे एक्टिव मेडिकल स्टाफ को आपने एक एक सर्विस देखा देखा है, ठीक है भाई तू ये डिपार्टमेंट में काम कर, तू ये इस डिपार्टमेंट में काम कर, वैसे आपने जो है फिजिशियंस को भी अलॉट करके रखा हुआ है टू गाइड दिस पीपल। तो एसोसिएट मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर रहेगा अलॉन्ग विद द आरएम, राइट। सो दी स्टाफ मेंबर्स इंक्लूड योर फिजिशियंस अलॉटेड टू डिफरेंट सर्विसेज सिमिलर टू द मेंबर्स ऑफ द एक्टिव मेडिकल स्टाफ। नाउ दीज कैन बी प्रोग्रेसिव एज अ रेजिडेंशियल मेडिकल स्टाफ एज वेल। नाउ हैव समथिंग इज कॉल्ड एज कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ, दी स्टाफ मेंबर्स इंक्लूड मेडिकल फिजिशियंस ऑफ नॉन प्रोफेशनल एबिलिटी। तो ये जो है प्रॉपर नॉन प्रोफेशनल एबिलिटी वाले फिजिशियंस होंगे, ठीक है ना, जिसको प्रॉपर जिसको मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के बारे में पता होगा या जो भी हो, ठीक है। सो दीज आर दोज पीपल हु आर प्रॉपर मेडिकल फिजिशियंस ऑफ प्रॉपर प्रोफेशनल एबिलिटी, ठीक है ना, मतलब हाई लेवल वाले फिजिशियंस होंगे वो सब। और देयर फिर ऑनरी मेडिकल स्टाफ जो होगा जो विजिटिंग फैकल्टी जैसे होते हैं ना वैसे, तो दीज स्टाफ मेंबर्स आर लाइक पार्ट टाइम कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ, दीज मेंबर्स आर रिटायर्ड फिजिशियंस और फिजिशियंस प्रोसेसिंग और क्लिनिकल प्रोवाइडिंग नॉर्मल फैसिलिटीज टू द हॉस्पिटल, ठीक है ना, ये पार्ट टाइम है, ठीक है ना, ये पार्ट टाइम कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ है, ठीक है ना, ये कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ है कि भाई अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम भी आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना, फिजिशियंस ही हैं ज़्यादा करके, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देन वी हैव एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ, तो अभी हम लोग देखने कि एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ क्या है। अभी तक तो हम लोग क्या देख रहे थे, दिस वॉज एवरीथिंग दिस थिंग, राइट, ये जो चीज़ें थी वो सब डिफरेंट डिफरेंट थी। अब एसोसिएट मेडिकल सर्विसेज कौन से उनको देखना है, करेक्ट। तो एसोसिएट मेडिकल सर्विसेज मतलब क्या, हम लोगों ने एक एक डिपार्टमेंट को क्या क्या दिया हुआ है, फिजिशियंस दिए हुए, सो वो सब इनको देखेंगे, ठीक है। देन वी हैव अ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, देन वी हैव पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेम सर्विस, देन वी हैव ब्लड बैंक एज वेल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल बी हैविंग द नर्सिंग सर्विसेज, देन वी हैव डायट्री सर्विसेज एज वेल, एंड देन वी हैव मेडिकल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट, देन वी हैव सेंट्रल स्टराइल सर्विसेज डिपार्टमेंट एज सी एस एस, देन वी हैव मेडिकल और पेशेंट ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, देन वी हैव ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस सेंटर, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हमारे पास है, एंड देन ऑल दो स्टफ इज एंड। तो हम इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करने की कोशिश जो है हम करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या बोलते हैं इसको,
तो एसोसिएट मेडिकल सर्विसेज में अपने को सिर्फ ये ना क्या बोलते अपन उसको वॉन्ट यू हैव टू रिमेंबर इंडिविजुअल यू नो पॉइंट्स, जैसे कि इंटरनल मेडिसिन होता है जिनमें गैस्ट्रो एंटरोलॉजी, पल्मोनरी डिजीजेज वाला डिपार्टमेंट होगा, इन्फेक्शियस डिजीजेज, स्किन एंड वेनेरियल डिजीजेज, जेरियाट्रिक्स मतलब जो बुजुर्गों के बारे में देखते हैं, पेडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, साइकैट्री एंड न्यूरोलॉजी, एलर्जी, एंडोक्राइनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। सो मेडिकल डिवीजन जो मेडिसिन डिवीजन होता है और एक सर्जरी डिवीजन होता है, उसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है। सो एक डिवीजन जो एसोसिएटेड वाला जो है, जिसके अंदर अपन ने प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशन वाले जो है हमारा मेडिकल स्टाफ रखा हुआ है, उसको रखा हुआ है। तो जो हमारे फिजिशियंस हैं एक एक डिपार्टमेंट उनको दिया हुआ है। तो कोई इंटरनल मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट में रहेगा, ठीक है, कोई गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में रहेगा, कोई पल्मोनरी डिजीज में रहेगा, कोई इन्फेक्शन डिजीज में रहेगा, कोई स्किन एंड वेनेरियल डिजीजेस में रहेगा, कोई जेरियाट्रिक्स में रहेगा, कोई पेडियाट्रिक्स में रहेगा, कोई इम्यूनोलॉजी में रहेगा, कोई एंडोक्राइनोलॉजी में रहेगा, समबडी विल बी देयर इन एलर्जी, समबडी विल बी देयर इन साइकेट्री एंड न्यूरोलॉजी, देन वी हैव समबडी हु इज देयर इन नेफ्रोलॉजी, वी हैव कार्डियोलॉजी, राइट। सो वी हैव पीपल ऑल ओवर दिस दिस थिंग। सो वी अगेन रिवाइज द डिपार्टमेंट्स। तो हमारे पास है कार्डियोलॉजी, जो भी याद है यार लिख दो। सो तुमको याद है अभी इम्यूनोलॉजी याद है तो इम्यूनोलॉजी लिख दो, एंडोक्राइनोलॉजी, एलर्जी, साइकेट्री एंड साइकियाट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन वेरी इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, कुछ भी इनमें से सब कुछ नहीं याद आएगा तो चलेगा, बट यार इंटरनल मेडिसिन याद रहना चाहिए, इन्फेक्शियस डिजीजेज, स्किन एंड वेनेरियल डिजीजेज, जेरियाट्रिक्स एंड पीडियाट्रिक्स। सर्जरी डिवीजन जो है वो जनरल सर्जरी है प्रॉपर। अभी देखो सर्जरी डिवीजन जो है वो डिफरेंट होता है। सो ऑर्थोपेडिक सर्जरी इज़ डिफरेंट। देखो अभी एसोसिएटेड मेडिकल सर्विसेज में रेडियोलॉजी भी आता है, सो डोंट थिंक कि ये ही हमारे सिर्फ थे, यहाँ पर फिजिशियंस काम करेंगे, इवन यहाँ पर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अच्छे खासे MDs रहेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, जिनमें पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री सर्विसेज एज वेल, एंड दे हैव ब्लड बैंक सर्विसेज एज वेल। सबसे आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई आपके मेडिकल डिवाइसेज मेडिकल सर्विसेज वाले जो डिपार्टमेंट है वो कहाँ पर है, ठीक है। सो ये है यहाँ पर जिनमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ठीक है ना, ओटो लैरिंजो लैरिंगोलॉजी, जिनमें नेफ्रोलॉजी, कार्डियो थोरैकिक सर्जरी, एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट भी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक हॉस्पिटल के अंदर एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट भी होता है जो सिर्फ एनेस्थेसिया के बारे में बात करता है, ठीक है ना। प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोलॉजिकल प्लास्टिक सर्जरी इज एवरीवन फेवरेट डिपार्टमेंट, ओके। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑप्थैल्मोलॉजी, डेंटल एंड ओरल सर्जरी, अच्छा डेंटल एंड ओरल सर्जरी वाले डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, न्यूरोलॉजिकल सर्जरी भी होती है यहाँ पर, ठीक है। एवरीथिंग टेक्स प्लेस योर, जो भी हमने इधर पढ़ा उन सबका सर्जरी यहाँ पर होता है, ठीक है, ऐसे हो सकते हो आप। बट जनरल सर्जरी समथिंग वेरी डिफरेंट, ओके। जनरल सर्जरी एक अच्छा खासा एक चैप्टर है MBBS के सिलेबस में, ठीक है। तो ठीक है, सो जनरल सर्जरी हमारे पास आ जाता है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ओटोरैनिंगोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोथोरैकिक सर्जरी, जिनमें एनेस्थेटिक्स एज वेल, जिनमें ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जिनमें ऑप्थेमोलॉजी, डेंटल ओरल सर्जरी भी आ जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल सर्जरी भी आ जाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी जिसको जो सबका फेवरेट है सब लिखते हैं प्लास्टिक सर्जरी। तो अब जाते हैं हम रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। तो हमने एसोसिएट मेडिकल सर्विसेज में हमारा जो मेडिसिन स्टाफ था और जो हमारा एक सर्जरी स्टाफ था दोनों कवर हो गए। अब हम जाएंगे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेम सर्विसेज, एंड वी हैव ब्लड बैंक सर्विसेज एज वेल। सो ये डिपार्टमेंट्स पे हमको फोकस करना है अब। नाउ वी हैव इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ रेडियंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडियंट एक्स रेज एंड आर रेज और सॉरी एंड रेडियम सॉरी द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इज हेडेड बाई MD हु प्रोवाइड सर्विसेज ऑन रिसीविंग और रिटर्न ऑर्डर बाई मेंबर ऑफ मेडिकल स्टाफ। तो मेडिकल स्टाफ अगर बोलेगा कि भाई एक एक्सरे करा के आओ या फिर एक CT scan करा के आओ, जो भी करा के आओ, वो भाई यहाँ पर है। तो रेडियम और सील रेडियक्टिव सर्विसेज कैन बी थेरेप्यूटिकली यूज बाई दोज फिजिशियंस हु हैव बीन गिवन परमिशन इन कंसल्टेशन विद द रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडिएशन सेफ्टी कमेटी। तो रेडिएशन सेफ्टी कमेटी अगर बोलती है उन लोगों को ही, या फिर रेडिएशन सेफ्टी कमेटी या फिर रेडियोलॉजिस्ट जो है जिसने उसको परमिशन दी हुई है कि भाई तू ये रेडियम या फिर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस को हैंडल करने का तेरे अंदर कैपेबिलिटी है, तू हैंडल कर सकता है इसको। सो रेडियम और सील्ड रेडियोएक्टिव सोर्सेज, ठीक है ना, कैन बी थेरेप्यूटिकली यूज बाई दीज फिजिशियंस हु हैव बीन गिवन परमिशन इन कंसल्टेशन विद द रेडियोलॉजिस्ट, ओके। रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज शुड बी हैंडल बाई अप्रोप्रिएटली ट्रेन एंड एक्सपीरियंस पर्सनल everything, and then this department includes physicians trained as radiologists, physicists, physicists, technicians, radiotherapists, isotope pharmacists, देखो ये भी होता है, isotope pharmacists, this is also good field, nurses, assistants and secretarial persons.
Now, modern radiology departments also have facilities of sonography, computer-aided sonography, CT scan, as I told you, MRI and everything, right? ये सब radiology department में आ जाता है. Every very very important. Then we'll go on pathology and clinical biochem services. अब इसमें क्या आ जाएगा यार, अब किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, कुछ भी करोगे, भाई सबसे ज़्यादा जिसमें से पैसा कमाते हैं ना, इज़ योर यू नो ब्लड सैम्पलिंग. ठीक है ना, वो भाई मतलब ब्लड सैम्पल निकालते रहो भैया. ठीक है ना, CBC, RBC, कुछ भी करते रहो. दी सर्विसेज प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ कलेक्टिंग सैम्पल्स ऑफ ब्लड, यूरिन, स्पूटम, फीसिस एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक इन्फेक्शन और अबनॉर्मलिटी इन बायोकेमिकल पैरामीटर्स सच एज शुगर, यूरिया एक्सेट्रा. द रिलेटेड प्रोसेसेस आर डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फिजिशियन सर्जन एक्सेट्रा. अ मेडिकल पर्सन क्वालिफाइड इन द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी और मेडिसिन इज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ दिस सर्विसेज. सो यहाँ पर पैथोलॉजी में जो अच्छा है, जो मेडिसिन वाले, जो जिसने पैथोलॉजी में MD किया हुआ है टू स्पेसिफिक, तो वो ये थिंग को जो है डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. वी ऑल्सो हैव अ ब्लड बैंक. दिस सर्व्स प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर कलेक्टिंग प्रोसेसिंग एंड सप्लाइंग ब्लड, कलेक्टिंग प्रोसेसिंग एंड सप्लाइंग ब्लड एंड प्रोडक्ट्स. ब्लड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, सो ब्लड प्लाज्मा इज ऑल्सो इज अ प्रोडक्ट. अ ब्लड बैंक इज अ स्टोर ऑफ बैंक ब्लड एंड कंपोनेंट्स कॉल्ड एज फ्रॉम ब्लड डोनेशंस और टोर्ड, हाँ सॉरी, एज स्टोरेड एंड प्रिजर्व टू, सॉरी मैं स्टोरेड बोल, बिकॉज अगर कुछ ब्लड प्रोडक्ट है, नहीं स्टोर्ड एंड प्रिजर्व टू बी यूज इन लिटल ब्लड ट्रांसफ्यूशन. तो ये ठीक है, ब्लड ब्लैंक तो आप नेम ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, बट एज फार एज बायोकेम एंड पैथोलॉजी एंड द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड, यू हैव टू राइट एवरीथिंग विच इज मैंशनड योर. ठीक है ना, ये चलो पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री सर्विसेज भी आप खुद से लिख सकते हो, खाली इतना याद रहना चाहिए आपको पैथोलॉजी वाला जो ब्रांच में जैसे MD की हुई है उसको आप हेड बनाओगे. यहाँ पर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में CT स्कैन MRI भी आ जाता है यहाँ पर. ठीक है ना, वो भी आपको इंक्लूड करना है. देन यू ऑल्सो नो दैट यहाँ पर MD जो है, ठीक है ना, वो यहाँ पर हेड करता है. इन कंसल्टेशन विद रेडियोलॉजी सेफ्टी रेडिएशन सेफ्टी कमेटी एंड रेडियोलॉजिस्ट, ओनली देन यू हैव गेट द परमिशन टू डू स्टफ. ठीक है, एंड यू शुड बी मतलब कोई भी काम कर सकता है, रेडियोथेरेपिस्ट भी काम कर सकता है, फिजिसिस्ट भी काम कर सकता है, टेक्नीशियंस काम कर सकते हैं, आइसोटोफार्मासिस्ट काम कर सकता है, नर्सेस, असिस्टेंट्स, एंड एवरीवन कैन गो हियर, राइट? दैट इज द वे. सो मेडिसिन डिवीजन हो गया, देन वी हैव सर्जरी डिवीजन, एवरीथिंग इज नॉट फिनिश्ड. एडमिट डिपार्टमेंट हमने पहले से कर चुके हैं. ठीक है, एडमिट डिपार्टमेंट एंड वी हैव ऑलरेडी रन द मेडिकल स्टाफ इंक्लूडेड, राइट? सो वी हैव योर RM, योर एसोसिएट मेडिकल स्टाफ, कंसल्टिंग एंड ऑनरी मेडिकल स्टाफ. नाउ वी गो ऑन टू द अदर पार्ट, इट इज नर्सिंग सर्विसेज एंड डाइटरी सर्विसेज. अभी नर्सिंग एंड डाइटरी सर्विसेज में क्या क्या आएगा मैं बताता हूँ. नर्सिंग टीम कंप्रिहेंसिव ऑफ वर्कर्स विद वेरिएबल डिग्रीज ऑफ स्किल इन नर्सिंग एंड डायरेक्टेड बाय प्रोफेशनल नर्स. दिस टर्म रिप्लेसेस द सिंगल नर्स हु हैज डन एवरीथिंग फॉर द पेशेंट. फॉलोइंग आर द मेन अजम्पशंस अबाउट द नर्सिंग केयर विच हेल्प्स फॉर द बेटर हेल्थ केयर. सो दे वर सेटेड बाई नेशनल लीग ऑफ नर्सिंग इन द USA. नर्सिंग केयर इंक्लूड्स हेल्थ प्रमोशन, केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, रिहेबिलिटेशन, टीचिंग एंड काउंसलिंग, इमोशनल सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. एसेंशियल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम एंड इज परफॉर्म इन कॉम्बिनेशन विद रेडिकल रिलेटेड मेडिकल एजुकेशन एंड वेलफेयर फैसिलिटीज. द नर्सिंग टीम शुड रिस्पेक्ट इंडिविजुअलिटी, डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ एवरी पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कलर, ब्रीड, ओरिजिन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस. ये तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टफ हो गया जो आपको याद रखना चाहिए. ठीक है, However, this plays an important role in hospital settings. थोड़ा सा बाकी है इस वीडियो में, तो ख़त्म करना ही है भैया. ओके, सो व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? नर्सिंग सर्विसेज एक बार वापस देख लेते हैं. नर्सिंग लीगल नेशनल लीग ऑफ नर्सिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जब हमने बात की थी, जब भी ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था, तो उसके अंदर सभी पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि भाई नर्सिंग के क्या क्या रोल्स होते हैं. सो ये एक चीज़ है. तो टीम रिप्लेसेस द सिंगल नर्स हैज डन एवरीथिंग फॉर द पेशेंट. तो देखो, नर्सिंग टीम होती है कभी भी, ठीक है ना, जो वेरियस डिग्रीज से आती है, वेरियस स्किल सेट से आती है, और उसको हेड करता है एक चीफ प्रोफेशनल नर्स. ओके, सो वो आपको याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नर्सिंग टीम कंप्राइज ऑफ वर्कर्स विद वेरिएबल डिग्रीज ऑफ स्किल इन नर्सिंग एंड आर डायरेक्टेड बाय अ प्रोफेशनल नर्स. Now, nursing care includes health promotion, care and prevention of disease, rehabilitation, teaching and counseling. वो बंदे को बताना भाई तुमको लेना कैसा है, वो तुमको मेडिसिन देंगे वो तुमको लेना कैसा है, या फिर उसको IV चढ़ाएगा तो कैसे चढ़ाएगा. एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, मेडिकेशन एंड वेलफेयर फैसिलिटीज, एवरीथिंग. देखो, डायट्री सप्लीमेंट वाला सर्विसेज. सो फूड सर्विसेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हॉस्पिटल. दिस इज ऑल्सो थेरेप्यूटिक मेजर डायरेक्टली रिलेटेड टू साइंटिफिकली प्रिपेयर न्यूट्रिशियस डायट मेंट फॉर सर्टन डिजीजेज. सो दीज सर्विसेज इंपोज ऑन द क्लिनिकल केयर ऑफ द पेशेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द वंस डायट्री सर्विसेज डिपार्टमेंट जो रहेगा वो प्लान करेगा कि भाई मेन्यू क्या रखेंगे. भाई ऐसा तो नहीं है कि रोज़ चिकन, पनीर, मसाला नहीं होता भाई ऐसा. सिलेक्शन परचेज फूड अकॉर्डिंगली. वो महाराज को बाहर भेजेगा, भाई तू जा
देख इतना ही खरीद के लाना है तेरे को, रिसीव एंड स्टोर्स फूड, प्रिपेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड, मेंटेन्स क्लीनलीनेस, ट्रेन एंड सुपरवाइजर्स स्टाफ, एडिक्वेट नेशंस ऑन डाइटरी डाइटरी हैबिट्स अलॉन्ग विद द मेडिकल दिस थिंग, ठीक है। देन कंडक्ट रिसर्च प्रोग्राम्स एज वेल इन टीचिंग हॉस्पिटल्स, तो रिसर्च प्रोग्राम्स के कंडक्टिंग रिसर्च प्रोग्राम्स इन टीचिंग हॉस्पिटल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पता था क्या कि डाइटरी रिसर्च वाले भी रिसर्च प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, राइट। न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है, उसको प्लान करना पड़ेगा कि भाई मैं इस पेशेंट को ऐसा न्यूट्रिशन दूंगा तो उसको ये एड करेगा उसके क्योरिंग में, उसको सोच के करना पड़ेगा ना भैया, है कि नहीं। ऐसा तो कुछ खिला नहीं सकता वो, तो रिसर्च भी कंडक्शन करनी पड़ेगी उसको इसके अंदर कि मैं किस तरह का अच्छा सा डाइट दे सकता हूँ इसको, या कौन सा डाइट इसको कौन से रिसेप्टर को अच्छा बाइंडिंग हेल्प कर सकता है, जो भी है। तो वो सब है, ठीक है। मेंटेन्स रिलेशनशिप विद फूड वेंडर्स, एवरीथिंग इट डज, स्टोर्स फूड, डिस्ट्रीब्यूट्स फूड, सेफ्टी इन द डिपार्टमेंट, स्टाफ, वो सब कुछ आता था यहाँ पर, बट इम्पॉर्टेंट है। सो देन वी हैव द रिमेनिंग फाइव, विच आर अगेन इम्पॉर्टेंट, राइट। वी हैव विद अस मेडिकल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट, अब ये क्या करेगा, सोशल लिंक बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स, द क्वालिफाइड सोशल वर्कर एज अ डिसिप्लिन हु फोकस ऑन द सोशल रेस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट एंड हिज फैमिली, द वर्कर गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेडिकल एंड सोशल स्टडी ऑफ सुटेबल पेशेंट्स एंड देर होम एनवायरमेंट पर्टिकुलर। सो मतलब एक बोलते हैं ना, एक उसके साथ एक फ्रेंडली नेचर बना के रखना सोशल, मतलब बोल सकते हो ना यार, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसके बारे में मतलब यू नो थिंक करना कि भाई किस हिसाब से इसको मैं ट्रीटमेंट दूँ, या फिर यू नो थिंक अबाउट हिज फैमिली एज वेल कि भाई उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब से मेरे को उसको हेल्प करना है, ठीक है ना। अगर वो अकेला रहता है बंदा तो उसको मैं फिर हॉस्टल में एडमिशन दिला दूँ, अगर अकेला नहीं रहता है फैमिली साथ, उस फैमिली साथ रह सकता है तो फिर वो डॉक्टर को जाके बोलेगा कि भाई नहीं दिस इज़ गुड, ही कैन रिमेन विद हिज फैमिली। दूसरे भी चीज़ें हैं जैसे कि डिस्कशन सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द पेशेंट एंड हिज फैमिली, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। देन सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल सर्विसेज डिपार्टमेंट इज टू गिव स्टेराइल आइटम्स लाइक लिनेंस एंड इक्विपमेंट टू वार्ड्स एंड ओटीज, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। स्टेराइल सूचर वगैरह जो भी रहते हैं वो सब का जो है इक्विपमेंट्स, वो सब देने का काम ये CSS करेगा। डिपार्टमेंट स्टेराइजेस द रीयूजेबल इक्विपमेंट एंड लिनेंस रिसीव फ्रॉम वेरियस वार्ड्स, द डिपार्टमेंट एक्सचेंजेस आइटम्स एज पर द नीड, द लिनेंस आर सेंट फॉर वॉशिंग टू द लॉन्ड्री। लिनेंस मतलब क्या, जो ग्रीन कलर का पहनते ना उन लोग, वो ही इधर डायरेक्टली और बाय अ CSSD, एंड द वॉश लिनेंस आर देन सेंट टू CSSD फॉर स्टेराइजेशन। सो दीज क्या बोलते हैं अपन को, दीज स्टेराइज आइटम्स आर देन इशू टू द वार्ड्स एंड ओटीज वेरेवर दे डिमांड फॉर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इज CSSD, ओके कूल। बस और दिन बाकी है, देन और बहुत सारा कुछ करना है, नेक्स्ट टॉपिक में भी जाना है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फटफट से देख लेते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे है। सो वी हैव सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज दैट इज CSS डिपार्टमेंट, क्या करता है, डायरेक्टली गिव्स स्टेराइल आइटम्स लिनेंस एंड इक्विपमेंट टू वार्ड्स एंड ओटीज, डिपार्टमेंट स्टेराइजेस इज यूजेबल इक्विपमेंट एंड लिनेंस रिसीव फ्रॉम द वेरियस वार्ड्स, डिपार्टमेंट एक्सचेंजेस आइटम्स एज पर देयर नीड, लिनेंस आर सेंट फॉर वॉशिंग टू द लॉन्ड्री एंड ईदर डायरेक्टली और बाय CSSD एंड द वॉश लिनेंस आर देन सेंट टू CSSD फॉर स्टेराइजेशन। These sterilized items are then issued to the wards and OTs wherever the demand for. Okay. The medical or patient treatment records, these are the systematic documentation of the patient's medical history and care. Medical record is a physical folder for each individual patient as well as information documentation here. Come on. Uska patient history kya exactly wo sab maintain karke rakhna. Drug influence services center, the aim of the services or center is to document drugs by extracting information about them. Drug information is the information on physical, chemical, biological and healthcare sciences collected, written forms or conveyed by oral communication by electronic devices. So these aim, the aim of the services or the center is to document drugs by extracting information about them. So drug ke baare mein info rakhna, theek hai, uske biological, uske physical properties ko sab written books se jo bhi hai, theek hai na, conveyed by oral communication by electronic devices jo bhi hai, wo sab usko rakhna, uske saath mein usko properly rakhna ki bhai ye drugs hai, because jab abhi jaage na ke hum log bhi padhenge hospital formulary, usme ye department bahut zyada role play karega. Drug distribution system, there are two types of drug distribution systems exist in hospitals. Drugs are distributed into indoor patients, operation theaters, x-ray and other specific departments. Drugs are distributed to outdoor patients who are not admitted. Okay. Two more drugs distribution types are dispensing of narcotics and other controlled substances and distribution dispensing of ancillary substances and articles. So these are the two more types. देखो अभी हमारे पास क्या क्या हो गया, सपोर्टिव मेडिकल स्टाफ में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आपने,
नर्सिंग स्टाफ पढ़ लिया, रेडियोलॉजी डिपार्ट सॉरी नर्सिंग स्टाफ पढ़ रेडियोलॉजी तो पढ़ाता है सॉरी नर्सिंग स्टाफ पढ़ लिया, डायट्री सर्विसेज वाला एक स्टाफ पढ़ लिया, फिर मेडिकल सोशल समझ डिपार्टमेंट पढ़ लिया, CSSD पढ़ लिया, ड्रग इन्फो डिपार्टमेंट पढ़ लिया। बाद में एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो जो आपके पेशेंट ड्रग पेशेंट इन्फो पेशेंट ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स रखता है, पेशेंट का फाइल रखता है, मेंटेन करता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स भी पढ़ लिए जिसमें टाइप पढ़े, जिसके अंदर हमने टाइप्स पढ़े, चार टाइप्स पढ़े हमने। एक होता है हमारा डिस्पेंसिंग नारकोटिक्स, एक होता है डिस्पेंसिंग ऑफ एंसिलरी प्रोडक्ट्स, एक होता है डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू द एक्सरे डिपार्टमेंट टू द इंडोर पेशेंट्स, एंड एक होता है डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू द आउटडोर पेशेंट्स, ठीक है, जो एडमिट नहीं होते, मतलब जो बाहर से खाली ड्रग्स लेने आते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो वही ये सब हमने देख लिया। इसके पहले हमने क्या देखा था, ये तो हमारा आ गया है सपोर्टिव पैरामेडिकल सर्विसेज स्टाफ में। इसके पहले हमने देखा था मेडिसिन स्टाफ, सर्जरी स्टाफ, ठीक है। इसके पहले हमने देखा था कि एग्जैक्टली एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ क्या रहता है, सो दैट वी सॉ एट। अच्छा, मेडिकल स्टाफ, सर्जन स्टाफ, वो सब हमने देखा, ठीक है। देन वी हैव, उसके अंदर हमने देखा था रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, ब्लड बैंक डिपार्टमेंट, ये सब हमने देखा। देन वी ऑल्सो सॉ दैट अभी ये सब डिपार्टमेंट तो है, बट ये सब किसके अंदर आते हैं, कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ, ये सब इसके अंदर आता है, राइट। देन वी हैव एडमिन डिपार्टमेंट एट दी एंड। सो थैंक यू गाइज, एंड नेक्स्ट वीडियो में हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन चालू करेंगे, ठीक है।